इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता दें, शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये, सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा खारिज हो गया है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राजेश। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर शाहजहांपुर से सामने आ रही है। अब ज्योत्सना गोंड सपा प्रत्याशी हो सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दो दिन पहले ज्योत्सना ने भी पर्चा भरा था, लेकिन राजेश को लेकर इस तरह की खबरें आ रही है कि राजेश का पर्चा खारिज कर दिया गया है और अब राजेश बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जिन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन अब ये पर्चा उनका खारिज हो चुका है और अब ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिव कुमार और ज्यादा जानकारी के लिए शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव कुमार, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी से सबसे पहले राजेश कश्यप ने पर्चा भरा था। इसके बाद दो दिन पहले जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप, उनकी भांजी ज्योत्सना गौंड ने भी पर्चा दाखिल किया था। इस बात की आशंका शुरू से जताई जा रही थी कि इनका पर्चा खारिज हो सकता है, और वही हुआ। आज राजेश कश्यप का पर्चा खारिज हो गया और ज्योत्सना अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रहेंगी। इसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर आरोप लगाया है कि जो राजपाल कश्यप है, उन्होंने षडयंत्र के तहत उनका पर्चा खारिज करवाया है और फिलहाल उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। उनका ये कहना था कि वो आगे उनका क्या स्टेप रहेगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि राजेश कश्यप जिनका पर्चा खारिज हुआ है, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल काफी नाराजगी है, उनका अगला स्टेप क्या होगा उस पर नजर बनाए हुए हम। जी ठीक है शिव कुमार, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब यही माना जा रहा है कि राजेश, जिनके अंदर अब काफी नाराजगी है समाजवादी पार्टी को लेकर, और हो सकता है कि वो जल्दी बीजेपी में शामिल हो जाएं। हालांकि उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अब अगला स्टेप राजेश का क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब यहां से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी वो ज्योत्सना ही होंगी, दो दिन पहले उन्होंने पर्चा भी भरा था। फिलहाल अपडेट यही सामने आ रहा है इस सीट को लेकर कि राजेश कश्यप का जो पर्चा है वो खारिज कर दिया गया है।